नमस्कार दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश के डेली लाइव सेंटेंस सेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह हम लोग डेली लाइफ वाक्य लाए हैं और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कॉन्वर्सेशन रिलेटेड टू जॉइन योगा क्लासेस। दोस्तों, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, अपनी अंग्रेजी को और मजबूत करने के लिए आज ही प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए और अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश ऐप पर आप अंग्रेजी की बोल बोल कर प्रैक्टिस कर सकते हैं और बिना किसी की सहायता से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। सो देर किस बात की, आज ही अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन कीजिए। अब चलते हैं आज के लेसन की ओर। दोस्तों, योगा क्लासेस से रिलेटेड हम कई तरह के सेंटेंसेस आम तौर पर बोलते हैं। जैसे अगर आपको कहना हो, क्या आप योगा क्लास ज्वाइन करने में मेरी मदद कर सकते हो, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या अगर आपको कहना हो योगा क्लास की कितनी फीस है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या अगर आपको कहना हो मैं सुबह 6 बजे वाली क्लास ज्वाइन करना चाहता हूं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या अगर आपको कहना हो क्या शाम के समय भी क्लास हो सकती है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? दोस्तों, ज्यादातर लोग ऐसे सेंटेंस नहीं बना पाते हैं, यही हम आज के लेसन में लाए हैं। तो चलते हैं आज के लेसन की ओर। अगर आपने कहा क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो ऐसे में आप कहेंगे कैन यू हेल्प मी। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो उसकी इंग्लिश होगी कैन यू हेल्प मी ज्वाइन योगा क्लासेस। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं योगा क्लास ज्वाइन करने में, तो दोस्तों कर सकते हैं, तो उसकी इंग्लिश होगी कैन। यू का मींस होता है आप, हेल्प यानी मदद करना, मी यानी मेरी। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो उसकी इंग्लिश होगी कैन यू हेल्प मी ज्वाइन, ज्वाइन यानी ज्वाइन करना योगा क्लासेस, यानी क्या आप मेरी योगा क्लास ज्वाइन करने में मदद कर सकते हैं, कैन यू हेल्प मी ज्वाइन योगा क्लासेस। ऐसे ही अगर आपने कहा योगा क्लास की फीस कितनी है, या योगा क्लास की कितनी फीस है, तो आप कहेंगे व्हाट इज अ फीस ऑफ योगा क्लास। योगा क्लासेस की फीस कितनी है, तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाट इज अ फीस ऑफ योगा क्लास। दोस्तों, व्हाट का मींस होता है क्या, व्हाट इज यानी क्या है, फीस यानी फीस क्या है, तो उसकी इंग्लिश होगी व्हाट इज अ फीस ऑफ योगा क्लास यानी योगा क्लास की। तो योगा क्लास की क्या फीस है, तो आप कहेंगे व्हाट इज अ फीस ऑफ योगा क्लास। ऐसे ही दोस्तों, अगर आपने कहा मैं सुबह 6 बजे वाली क्लास ज्वाइन करना चाहता हूं, तो ऐसे में आप कहेंगे आई वॉन्ट टू ज्वाइन 6 AM क्लास इन द मॉर्निंग। मैं सुबह 6 बजे वाली क्लास ज्वाइन करना चाहता हूं, मैं की इंग्लिश होगी आई, चाहता हूं की इंग्लिश होगी वॉन्ट। मैं चाहता हूं आई वॉन्ट टू ज्वाइन, मैं ज्वाइन करना चाहता हूं, तो उसकी इंग्लिश होगी आई वॉन्ट टू ज्वाइन 6 AM क्लास। सो आई वॉन्ट टू ज्वाइन 6 AM क्लास सुबह में, तो सुबह में को हम कहेंगे इन द मॉर्निंग, आई वॉन्ट टू ज्वाइन 6 AM क्लास इन द मॉर्निंग। ऐसे ही क्या शाम के समय भी क्लास हो सकती है, तो ऐसे में आप कहेंगे इज इट पॉसिबल टू हैव क्लास इन इवनिंग। क्या शाम के समय भी क्लास हो सकती है, तो उसकी इंग्लिश होगी इज इट पॉसिबल टू हैव क्लास इन द इवनिंग। दोस्तों, इज इट पॉसिबल यानी क्या हो सकती है, क्या हो सकती है की इंग्लिश होगी इज इट पॉसिबल टू हैव क्लास, यानी क्या क्लास हो सकती है
इन द इवनिंग, इवनिंग के अंदर, शाम के अंदर, क्या शाम के अंदर क्लास हो सकती है? इज इट पॉसिबल टू हैव क्लास इन द इवनिंग? सो दोस्तों, इस तरह से इन सेंटेंस को बोला जाता है। आई होप यू लर्नड इट, आई होप यू एंजॉयड द लेसन। इफ यू रियली लाइक दिस लेसन देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब नमस्ते इंग्लिश। आई विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर।